सबका आभार और शुक्रिया। और जाहिर है कि सरकार लीला कर रही है सामाजिक न्याय को लेकर, कि पिछले 5 मार्च को 13 पॉइंट रोस्टर का ऑर्डर आया था और साल भर से सरकार ये कह रही है कि हम जो है अध्यादेश लाएंगे अध्यादेश लाएंगे, लेकिन गैर संवैधानिक आरक्षण एक दिन में पास हो जाता है, लेकिन जो संवैधानिक आरक्षण है SC ST OBC का सरकार लीला कर रही है, वो अभी तक इनका आया नहीं है। तो आज यह चेतावनी थी सरकार के लिए कि अगर हमारे हक हकूक अधिकार के लिए आप इधर उधर करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो जाहिर है कि आपकी सरकार उखाड़ दी। चेतावनी आज ट्रेलर था, 2019 के चुनाव का आज ट्रेलर हो गया उत्तर भारत में, और भारत बंद हुआ इनके पूरे इनके सरकार की तरह अभी की तैयारी शुरू। सर, जिस तरीके से आज विशाल रैली का आयोजन किया गया और कितना सरकार को बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, तो आपको क्या समर्थन मिला? जन आंदोलन था, इस आंदोलन के नेता सब लोग थे, सब पार्टी था, जनता थी, जनता था आंदोलन का नेता, जनता स्वतः सड़कों पर उतरी। अब हमारी जनता अब जागरूक हो रही है, हमारी बहुजन जमात अब जागरूक हो रहा है और स्वतः उतरा है सर, इसमें कोई थोड़ी किसी का कॉपीराइट था। तो ये संदेश साफ है कि अब हमारा समाज जो है वो आपको बर्दाश्त करने वाला नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा, हमारे हक हकूक के लिए जवाब देना पड़ेगा। ये आने वाले सरकार के लिए चेतावनी भी। और सर, जिस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आ रहे हैं, इसको भी आपसे ये जो रोस्टर है ये पाकिस्तान बनाया है क्या? हम वो बात नहीं समझ रहे हैं क्या कि सरहद पे तनाव है क्या? पता करो चुनाव है क्या? जो सारा भंडाफोर हो गया है, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये अगर वहाँ पे पुलवामा में हमला हुआ तो इसमें आपको नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए था। आपकी एजेंसी कहाँ क्या कर रही थी? वो आतंकवाद भी मुर्दाबाद है लेकिन मनुवाद भी मुर्दाबाद है। और ये लीला हम लोग समझते हैं, आप जब सरहद हमें दिखा रहे हैं तो उस समय आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर क्यों आ जाता है? आप हवाई जहाज हवाई अड्डे क्यों बेच रहे हो? तो उधर आप सरहद दिखा रहे हैं, इधर हाथ में से रोटी छीन रहे हैं। ये सब लीला हम लोग समझ रहे हैं और आप लोग के माध्यम से देश की तमाम जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हमारे अधिकार रक्षा सुरक्षा नहीं होगी, तो सरकारें आने वाली सरकार के लिए चेतावनी भी कि सरकार उखाड़ रही है। शुक्रिया। सर, ये जो मोटरसाइकिल पर भी देखा आपने मनोज तिवारी की रैली हो रही है आर्मी के ड्रेस में, इनके पास कुछ है नहीं ना? 5 साल तक इन्होंने जनऊ और पूंजी की लीला की है, कुछ है नहीं अचीवमेंट दिखाने के लिए। अब जो शहीदों की लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये इस बात को हमारे फौजी भाई भी समझ रहे हैं, जिस तरह से जो पाकिस्तान से विंग कमांडर लौट के आए और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें वायरल होगा, तो ये इनके पास कुछ है ही नहीं, तो यही दिखाएंगे फेल हो गए ऑल फ्रंट, देश नीति विदेश नीति सब में फेल हो गए। जी, थैंक यू।